दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एमएससी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है, मैं ना एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर बताऊंगा जो कि प्रॉपर देसी है। दोस्तों उसमें देखिए, मैं जो भी दवाएं बताता हूं दोस्तों उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक फार्म पे प्रयोग करने के बाद में कभी भी नहीं बताता हूँ दवाओं को। जब तक मैं पहले सबसे पहले अपने फार्म में चलाऊंगा, वहां पे रिजल्ट देखूंगा, फिर दूसरी जगह पे बदल करके जहां का मतलब मान लीजिए कि हमारे यहां का पानी, अगर पानी जो है उस पे वो दवा सूट कर रही है, तो उसी दवा को मैं किसी और के फार्म पे या अपना जो यहां से दूर वाला फार्म है 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर, तो उस वाले फार्म में प्रयोग करता हूँ, जिससे मैं उसके सारे साइड इफेक्ट को पहले चेक कर लेता हूँ कि हाँ ये किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता हमारे बर्ड को। उसके बाद में ही मैं YouTube पे उसको अपलोड करता हूँ। ऐसे ही मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई दवा मैंने यूज ना किया हो और वो मैं आप लोग को बता दूँ और आप लोग प्रयोग कर डालें, है ना। किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना मेरा काम नहीं है दोस्तों। मैं जब तक अपना खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ उस चीज से, मुझे अपनी संतुष्टि नहीं मिल जाती है, मैं अपने बर्ड को देख लेता हूँ कि हाँ जो हमारा मुर्गा है वो इस दवा को पीने के बाद में उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही मैं किसी को बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग देर ना करते हुए एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्रोथ प्रमोटर है उसको बनाना कैसे है। और दूसरी चीज दोस्तों, इस ग्रोथ प्रमोटर का 1% भी हीट स्ट्रोक से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, गारंटी है इस चीज की। और मैं बताऊं, अगर पहली चीज, एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि इस समय के टाइम पे बहुत ही ज्यादा समस्या है इस बात को लेकर, वो बात ये है दोस्तों कि जो जिनका मुर्गा 25 दिन के प्लस हो रहा है, यानी 25वां दिन रनिंग में चल रहा है, वो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि ये मत सोचो ये ठंडी का मौसम है। ठंडी का मौसम नहीं है मेरे भाई। और आप ना, ये अगर आपको लगता है कि मैं फीड, तो हमारा मुर्गा फीड खा ले रहा है दिन में भी, तो हम दिन में फीड खिला दें। अगर कोई किसान ये गलती करता है कि वो फीड को ब्रेक नहीं करता है दोपहर के समय में, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका रिजल्ट खराब होना निश्चित है। क्यों? अगर आप ज्यादा फीड खिला दोगे, मान लीजिए कि आपको आपका मुर्गा है 25 दिन का हो गया है और इसके बाद दोपहर में भी नहीं फीड ब्रेक किया जा रहा है, रात में तो खाता ही है, फिर दिन में भी बहुत ही दबा के फीड खाता है, तो ऐसे में दोस्तों आपके बर्ड का लूज मोशन होगा, इसके बाद में हीट स्ट्रोक होगा, आपके बर्ड को ज़्यादा ही हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो फीड को बिल्कुल दिन में एकदम बंद कर देना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं खिलाना है। हाँ, अगर आपका मुर्गा छोटा है, चूजे पे है, तो उसको 24 आवर्स फीड दिया जाता है, आप चलने दो, लेकिन दिन में मुर्गा है, पच्ची है, वो जानवर है, पच्ची है, तो फीड खा ही लेगा, उसको तो पता है नहीं कि हम फीड खाने के बाद में हमें इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, परिणाम तो किसान को भुगतना पड़ता है ना। तो ये बात हो गई दोस्तों, दिन में फीड बिल्कुल नहीं खिलाना है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ग्रोथ प्रमोटर क्या है और इसको कैसे बनाना है, इसको कितनी देर के पानी में देना है, कैसे इसको पिलाने के टाइम पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर इसको प्रयोग करने में थोड़ी भी गलती करोगे तो ये काम नहीं करेगा, मैं इसका फिर गारंटी नहीं ले सकता दोस्तों। तो अगर आप लोगों का मुर्गा जो है 25 दिन या 30 दिन का हो गया है और आप लोग चाह रहे हो कि मुर्गे में हमारे फास्ट ग्रोथ आए, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, मैं 1000 मुर्गे की बात करूंगा दोस्तों, 1000 मुर्गा है, ठीक है।
अब इस 1000 मुर्गे को आपको क्या क्या लेना है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना होगा दोस्तों इसमें कच्चा केला, कच्चा केला लेना होगा। दूसरे नंबर पे आपको लेना होगा गुड़, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको लेना होगा दूध। ये दूध जो है ये उबाला नहीं जाएगा, ये आप जैसे ही कच्चा दूध जिसको बोलते हैं ना वो वाला लेना है, यानी डायरेक्ट भैंस से निकले या गाय के आयन से निकले और उसको ला करके प्रयोग कर लेना है, इसको उबालना नहीं है दोस्तों, उबालने की गलती मत करना। बहुत लोग अभी चैलेंज करेंगे कि दूध का काम ही नहीं है ग्रोथ प्रमोटर में। मैं भाई देखो, जो मैं प्रयोग करता हूँ, जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं वो दूध जरूर लगा देना, इसमें छोड़ना मत, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, 1000 मुर्गे के लिए आपको लेना होगा 1 केजी केला, गुड़ लेना होगा आपको 0.5 किलो, यानी कि 500 ग्राम गुड़। और दूध आपको कितना लेना है, दूध लेना है ये आपको लेना होगा 300 ग्राम। इसकी मात्रा 500 ml भी कर सकते हो, मतलब 500 ml भी जा सकते हो, लेकिन अगर कहीं दूध नहीं मिल रहा है, दूध का अभाव हो रहा है, तो मिनिमम मान के चलिए कि 300 ग्राम तक कुछ चाहिए ही चाहिए, है ना। इन सारी चीजों को लेना है दोस्तों। अब आपको केला को क्या करना है वो चीज भी बता रहे हैं। पहले आप केला ले लीजिए, इसको कुछ लोग ना केला के साथ गड़बड़ कर देते हैं। ये कच्चा केला आपको लेना है, हरा एकदम होना चाहिए, मतलब छीमी जो होती है उसकी, है ना, फली जो होती है वो स्वस्थ होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी मोटी होनी चाहिए। उसको आप लोग क्या करेंगे कि उसको ना आप लोग करिएगा ये कि ये जो कच्चा केला है दोस्तों, इसको आपको ऊपर का पूरा छिलका, यानी कि जब तक उसका गूदा ना निकल आए तब तक उसको अच्छे से छीलना है, पूरा ऊपर का छील के खत्म कर दीजिए, है ना। इसके बाद इसको जिन किसान भाइयों के पास, तो लगभग सबके पास मिक्सी होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं भी होगा, तो जिनके पास नहीं है वो लोग इसको सील बट्टे से या जिससे भी हो सके बहुत ही बारीक पीस लो, है ना, एकदम बारीक पीस लो बेटा। सॉरी, मैं अन्ना की बात आ गई, क्या याद आ गया तो उसको बेटा बोल गया, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ। तो इसको बारीक पहले अच्छे से पीसना है, चाहे वो जिस भी माध्यम से पीसो लेकिन पीस लो। इसको अच्छे से पीसने के बाद में दोस्तों आपको गुड़ क्या करना होगा, गुड़ को अच्छे से पानी में मिला लो, थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें बारीक तोड़ के उसमें मिला लो, और दूध उसी में डाल दो, फिर इसको भी ले लो। अब ये जो ग्रोथ प्रमोटर है आपका, ये या तो 5 बजे सुबह से पहले चलाना है, 5 बजते-बजते ये ग्रोथ प्रमोटर आपका लग जाना चाहिए दोस्तों, 5 बजे के बाद 5 बजे तक लगा दो इसको, ठीक है। या फिर इसको शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है, 6 बजे के बाद इसको चला दो, या तो सुबह 5 बजे से पहले या तो शाम को 6 बजने के बाद आपको इसको इसका प्रयोग करना है। अब जैसे ही इसको चलाते हो आप लोग क्या करना है कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा सारा मटेरियल, तो इसको ये गलती ना करें कि ले जाकर के टंकी में डाल दें, आलस मैं नहीं करना है भाई, मुर्गे में आलस तो चलता ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुर्गे जितना ईमानदार पक्षी आज तक कोई नहीं है, जितना खाएगा उतना वजन दे के जाएगा, लेकिन उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो ये जो दवा है आपकी, ये जो दवा है जो बना रहे हो ग्रोथ प्रमोटर, इसको ना सुबह 5 बजे से पहले पहले ठंडक में या 6 बजे के बाद, ठीक है, इसको डालना है, और डालने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर इसको पूरा पिला देना है। अब वो कैसे पिलाओगे अभी पूछोगे, तो पहले मुर्गे को थोड़ी देर के लिए प्यासा कर दो, आधे घंटे के लिए पानी बंद करके और उसको
पानी रोक देना है आप लोगों को। पानी रोकने पे आप लोग देखेंगे कि बाढ़ आपका प्यासा जैसे हो जाए फिर उसको उठा के डाल दो, सुबह में डालोगे ज्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि शाम में क्या होता क्या है कि बर्ड जो है फीडिंग कर चुका होता है, तब उसको इस पानी में थोड़ा कम इंटरेस्ट जगता है, लेकिन जब सुबह में वो पहला पानी पीता है उसमें ज्यादा काम करता है। ये लगा देना है, 2-2.5 घंटे में इसको बिल्कुल खत्म करवा दो। इसके बाद में फिर ये पानी जब खत्म हो जाए तो आप एकदम सादा पानी प्यूरीफाई के साथ डाल दीजिए, टंकी में चलाइए। अब बारी आती है दोस्तों कि कुछ लोगों के यहाँ एक दिक्कत हो सकती है, वो भी होगी क्यों, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। केला अगर आप पक्का लेंगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कच्चा केला रहेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ भी जाती है दोस्तों तो केवल और केवल आपके यहाँ डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपके मुर्गे में दस्त बीट पतली करेगा मुर्गा, लेकिन वजन लेगा दोस्तों। तो उसके लिए अगर बीट पतली करता है तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, वो है एक दवा जो कि बहुत ही सस्ती दवा है दोस्तों, और काम इसका रामबाण का है। आप कभी भी पिला के देख लेना इस चीज को। ये दवा जो है दोस्तों इसको कहते हैं ट्रिपिन, ये दवा जो है ये इसका नाम है ट्रिपिन, पाउडर फॉर्म में होता है ये। आप जब कभी भी इस दवा का इस्तेमाल करिए, यानी कि केला को जब आप लगाएं तो आपके पास ये दवा जो होना चाहिए, इसका प्रयोग आप लोग क्या करें दोस्तों कि ये वाली जो दवा ट्रिपिन होती है इसको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसमें हाई लेवल एल्बेंडाजोल होता है, तो नहीं एल्बेंडाजोल नहीं होता है दोस्तों, इसमें एल्बेंडाजोल और दूसरा है बकरियों का याद आ गया था, वो डिवार्मिंग के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग ना, तो वो है। इस वाली दवा को आपको लगा देना है दोस्तों, जैसे ही लगाओगे आपके मुर्गे का बीट एकदम सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर खरीद लीजिए, 150 रुपये की आती है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में चल जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से काम भी कर देगी। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने इसीलिए बनाया था ताकि कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे यहाँ हमारे पास जो मुर्गा है उसका ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो उसको ग्रोथ लाने के लिए दोस्तों ये दवा है। आप पहले ये प्रयोग करिए, अगर बीट खराब होती नहीं खराब होती है तो इसको चलाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए हमारे पास, अभी मैंने इसका सील भी नहीं तोड़ा है, ये ऐसे ही रखी हुई है, ठीक है। हाँ, अभी अगर कोई भी किसान भाई, देखो भाई अगर मुझसे मेंबरशिप लेना चाहो तो फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए कुछ फीस है, तो वो फीस आपको ऑल टाइम पूरे समय के लिए है। आप एक बार 500 रुपये की फीस जैसे ही देकर आप यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद आपको कभी भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फीस देते हो दोस्तों तो उसमें हम आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जिस दिन से चूजा आ जाएगा तब से लेके लास्ट तक सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, आपको कैसे दाना देना है, कैसे पानी देना है, कब पर्दा उठाना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मुर्गा आपका कितना पानी पी रहा है, आपने कौन कौन सी दवा किस दिन चलानी है, इन सारी चीज़ों का मैं खुद फोन करके आप लोगों से सलाह लेता हूँ, आप लोग को सलाह देता हूँ। और हाँ दोस्तों, अभी मैं बहुत ही जल्द, कुछ ज़्यादा लोगों का तो नहीं कर पाऊँगा, अपने जो लोग हैं जुड़े हुए मुझसे, लेकिन उसमें से 2 लोगों का मैं ज़रूर किसी को भी मैं चुन के कर दूंगा, उनसे पूछूंगा और रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा कि जिनको उम्मीद, जिन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दिया था उनका भी मुर्गा सुधर गया। और 500 रुपये की फीस मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फ़ोन करके ना फालतू वाले मुझसे बहुत बात करते हैं। कोई कहता है मुझे फार्म बनाना है, मैं अभी दुबई में हूँ, कोई कहता है फार्म बनाना है, मैं फलाने जगह हूँ। अरे भाई जो काम कर रहा है उसको करने दो, उससे बात करो ज़्यादा, अब तुम करना कुछ है नहीं, फालतू की बातें करते हो, तो वो इसके लिए ही फीस होती है दोस्तों। और इसी के लिए मैं नंबर लोगों का सेव करता हूँ अपने फ़ोन में कि हाँ ये बंदा फला कोड का बंदा है, तो ये इससे, इसके यहाँ बर्ड है तो इससे बात करना ज़रूरी है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।